हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑडियो को एडिट करने के लिए जानेंगे। अगर आपको अपने वॉइस ओवर को एडिट करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे अलग यूनिक तरीकों से बताया जाता है और आपको लगातार इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब हम लोग अपने ऑडियो पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ऑडियो एडजस्ट टूल ओपन हो जाएगा और अब हम लोग यहाँ से अपने ऑडियो को एडिट करने के लिए जानेंगे। हम लोग का सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो नॉर्मलाइजेशन। हम अपने ऑडियो को प्ले करके सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद हम अपने ऑडियो को एडिट करेंगे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लर इफेक्ट बनाया जाता है। अगर आपने मोशन ट्रैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ से अब आपने हमारे ऑडियो सुन लिया है, अब हम लोग इसको एडिट करने के लिए जानते हैं। हम लोग अपने ऑडियो पे ऑटो नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ऑडियो का वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से अपने ऑटो नॉर्मलाइजेशन को ऑन कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो का वॉल्यूम नॉर्मल हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑटो नॉर्मलाइजेशन का यूज ऑडियो के वॉल्यूम को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन है वॉल्यूम। यहाँ से आप इस स्लाइडर की मदद से आप अपने वॉल्यूम कस्टमाइज कर सकते हैं। जब हम लोग इसे डिक्रीज करते हैं तो हमारे ऑडियो का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जब हम इसे इंक्रीज करते हैं तो हमारे ऑडियो का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आप यहाँ से भी अपने वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने वॉल्यूम के ऊपर की फ्रेम को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पोजीशन पर की फ्रेम को ऐड करते हैं, यहाँ से हम की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं और यहाँ से वॉल्यूम को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करते हैं और फिर आगे पॉइंट पे हम लोग की फ्रेम ऐड करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं। अब आप यहाँ से अपने ऑडियो को प्ले करके सुन सकते हैं। हमारा ऑडियो इस तरह से प्ले हो रहा है और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की इस वीडियो में इसी तरह से आप भी वॉल्यूम के फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो इसे रिसेट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन है साउंड बैलेंस। इसका यूज ऑडियो के साउंड को बैलेंस करने के लिए करते हैं। हम यदि इसके साउंड को डिक्रीज करते हैं तो हमारे ऑडियो का साउंड हमारे लेफ्ट ईयर में ही सिर्फ सुनाई देता है। आप यदि यूज करते हैं आप हेडफोन्स में सुन सकते हैं, आपको सिर्फ लेफ्ट ईयर की ओर ही हमारा ऑडियो अभी सुनाई देगा। इनके द्वारा इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लर इफेक्ट बनाया जाता है। अगर आपने मोशन ट्रैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो अब हमारा ऑडियो हेडफोन्स के अंदर लेफ्ट ईयर की ओर सुनाई देगा। हम यहाँ से अपने ऑडियो को प्ले कर देते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा अब आपने हमारा ऑडियो सुन लिया है। अब आप जान गए होंगे हम लोग किस तरह से साउंड बैलेंस का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला ऑप्शन है एड इन। एड इन यह एक ट्रांजिशंस की तरह काम करता है। इसे हम लोग अपने ऑडियो के लेफ्ट साइड से ही यूज कर सकते हैं। हम इसे इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो के अंदर लेफ्ट साइड से, यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और जब हम इसे डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं यह डिक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ से अपने ऑडियो को प्ले करके सुन सकते हैं हमारा ऑडियो भी किस तरह से प्ले हो रहा है। मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये ऑडियो जो भी आपने सुना वो हमारा हेड इन के साथ में था।
अब हम इस फेड इन को नॉर्मल कर देते हैं। अब हमारा ऑडियो विदाउट फेड इन है, अब आप इसे भी प्ले करके सुन लें तो आपको पता चल जाएगा फेड इन और विदाउट फेड इन ऑडियो में क्या अंतर है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब आप लोग जान गए होंगे कि हम लोग फेड इन का यूज किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हमारा फेड आउट है। फेड आउट का यूज हम लोग अपने वीडियो के राइट साइड से ही कर सकते हैं, यानी कि लास्ट से। ऐसे आप इसे इंक्रीज करके देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हमारे वीडियो पे ये अप्लाई हो गया है। आप यहाँ से दोनों को एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों हमारे ऑडियो पे अप्लाई हो चुका है, प्ले करके सुन लेते हैं। और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लर इफेक्ट बनाया जाता है। अगर आपने मोशन ट्रैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिल्मोरा से रिलेटेड टॉपिक। तो अब आप फेड इन और फेड आउट का यूज करने के लिए जान गए होंगे इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन है, जब हम लोग इसे डिक्रीज करते हैं तो हमारा ऑडियो का साउंड ठीक हो जाता है, और जब हम इसे इंक्रीज करते हैं तो हमारा ऑडियो का साउंड थिन हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। इसे डिक्रीज करके देख लेते हैं और हम यहाँ से इसे प्ले करके सुन लेते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत। आप यहाँ से सुन लेंगे कि हमारा ऑडियो का साउंड किस तरह से प्ले हो रहा है। अब हम इसे इंक्रीज करते हैं, इसके बाद आप सुन लीजिए कि हमारा ऑडियो किस तरह से प्ले हो रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लर इफेक्ट बना। अब आप हमारे ऑडियो को प्ले करके सुन लिए हैं। अब आप यहां से जान गए होंगे पिच का यूज किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन है ऑडियो डकिंग। इसका यूज करने के लिए हमें एक और ऑडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग करना होगा। यहाँ से ऑडियो टैब में आ जाते हैं, ऑडियो को अपने टाइमलाइन ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जानेंगे कि ऑडियो डकिंग का यूज किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग ऑडियो डकिंग को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से जब हम इसे इंक्रीज करते हैं आप देख सकते हैं हमारा जो म्यूजिक है उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जहाँ तक हमारा वॉइस ओवर के नीचे आप देख सकते हैं वहाँ तक हमारा वॉल्यूम डिक्रीज है, और उसके बाद यहाँ से हमारा वॉल्यूम हाई है। जब हम इसे डिक्रीज करते हैं तब वॉल्यूम हाई हो जाता है। मेनली इसका यूज हम लोग म्यूजिक के साथ अपने वॉइस ओवर को रखने के लिए करते हैं। हम लोग का अगला ऑप्शन है इक्वलाइजर। यह हमारे ऑडियो पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यूज आप अपने ऑडियो पे कर सकते हैं। यहाँ से आप पहले अपने ऑडियो को प्ले करके सुन ले। हम लोग यहाँ से अपने ऑडियो के ऊपर इक्वलाइजर का यूज करते हैं। हम लोग लो बेस का यूज करते हैं। अब आप यहां से ऑडियो को सुन सकते हैं हमारा ऑडियो किस तरह से प्ले हो रहा है। इसी तरह से इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप जो चाहें का यूज कर सकते हैं। अपने ऑडियो के वॉल्यूम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहां से फर्स्ट 3 टोन्स हम लोग का लो टोन्स है, और लास्ट 3 टोन्स हम लोग का हाई टोन्स, और बीच वाला हम लोग का मिड टोन्स कहलाता है। यहाँ से हम इसके वॉल्यूम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको जितना यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से आप इसे प्ले करके सुन सकते हैं फाइनल आउटपुट क्या है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं फिर और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन है डीनॉइज। अगर आपके ऑडियो में कोई नॉइज है तो आप डीनॉइज का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इक्वलाइजर का यूज करके भी अपने नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऑडियो में अभी कोई नॉइज नहीं है, हम लोग डीनॉइज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे साइलेंस डिटेक्शन। यहाँ से हम लोग टूल्स में आएंगे, उसके बाद यहाँ ऑडियो में आएंगे, ऑडियो में साइलेंस डिटेक्शन ऑप्शन शो करने लगेगा। हम लोग इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से आप बफरिंग को इनक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साइलेंस डिटेक्शन का यूज हम लोग अपने ऑडियो के साइलेंट पार्ट को रिमूव करने के लिए। जैसे हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद सिंपली आप लोग
एक्सपोर्ट टू टाइमलाइन पे क्लिक कर दें। यहाँ से ये आपके टाइमलाइन पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे टाइमलाइन पे एक्सपोर्ट हो चुका। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।